हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैक अपडेट। तो यार आज मैं एक और आपके लिए गाड़ी लेके आया हूँ। तो यार लाइटों से तो आप पहचान ही गए होंगे, ये है यार किया सेल्टोस का न्यू मॉडल और ये मतलब बेस वेरिएंट है। तो एक बार आप थोड़ा सा लुक दिखा देता हूँ आपको। यार ये भी यार चिट्टा रंग, वाइट कलर, हमारे तो नसीब में वाइट कलर बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए यार, थोड़ा बहुत इसको यार पैसा वैसा लगा के थोड़ा मॉडिफाई कराया, मतलब ज़रूरत की चीज़ है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी मैं आपको इसको 360 व्यू एक बार दिखा देता हूँ, फिर इसमें बताता हूँ थोड़ा है क्या। ये बेस वेरिएंट है और देख रखे हैं, ये नया फेसलिफ्ट है इसका, सेल्टोस का। सो अब इसमें अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने थोड़ा थोड़ा देख के आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या इसमें मतलब नहीं आता बेस वेरियंट में। जैसे कि आई थिंक जो ये फॉग लैम्प है ये भी बाहर से इंस्टॉल्ड है। और जैसे मिरर पर आप देख रहे होंगे कि ये फेंडर पर इंडिकेटर है, मिरर पर नहीं है टर्न इंडिकेटर जो है। और रिक्वेस्ट सेंसर इसमें नहीं है। तो मतलब अभी तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो जो इसमें नहीं आता। और आई थिंक यार जिस हिसाब की ये कार है प्रीमियम, ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा बहुत तो एक आध दो चीज़ें आ जानी चाहिए थी। जैसे कि अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, पहले तो यार इसकी चाबी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यार, यहाँ बटन ही नहीं है। बटन कहाँ दिए हैं, यूनिक वे है भाई इनका, यहाँ दिए हैं इन्होंने बटन लॉक अनलॉक। और ये डिग्गी का, तो एक बार डिग्गी भी दिखा देता हूँ इसको होल्ड करके। ये देखिए यार बूट स्पेस भी ठीक ठाक है गाड़ी की। उसके बाद चलिए अंदर बैठते हैं, फिर थोड़ी बातें कर ली जाए। तो यार एक बार थोड़ा सही से व्यू देख लीजिए किस टाइप की कार है। और ये मैं सीट पीछे कर लेता हूँ तो थोड़ा आपको समझ आए। तो यार देखो, अब मैं बात किस चीज़ की कर रहा था कि जैसे अब ये है देखो, मिरर है। अब ये मिरर एडजस्ट करने के लिए यार इन्होंने ये दिया हुआ है। तो ये चीज़ तो मतलब यार मैं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ तो होनी चाहिए थी कि भाई कम से कम यार मोटर के थ्रू कर लेता मैं इसको एडजस्ट। अब इससे थोड़ा अजीब लगता है मतलब बड़ी गाड़ी में ये चीज़ें होना। उसके बाद ये बाहर से इंस्टॉल्ड है यार इन्होंने। बाकी पीछे से दिखा देते हैं थोड़ा। अब जो इसकी यार देखो, एक इसमें 6 गियर आते हैं गाड़ी में। बाकी ये है इसका व्यू। अब मैं इसकी जो तो अच्छी बात लगी वो लगी, देखो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका। और एक बार आपको दिखा देते हैं स्टार्ट करके। यार कितना सही, यार कितना अच्छा फील दे रहा है ये देखिए। तो बड़ा ही यार देखने में बहुत मज़ा आया इसको, जो बात है। और चलाने में भी गाड़ी यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर चलो पावर विंडो वगैरह ये सब तो दिया हुआ है। चलिए तो यार बेसिक चीज़ें तो देगी ही कंपनी। बाकी ऐसा कुछ इसका व्यू आता है, ग्लव बॉक्स वगैरह, इतनी स्पेस ग्लव बॉक्स में है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा यार आपको ये गाड़ी कैसी लगी। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।